कहा कि देवी जरा ध्यान रखा करो, पता रखा करो कि शंकर जी कहाँ आते हैं और कहाँ, जरा ध्यान रखा करो। ये जो चुगलखोर होते ना, चुगलखोर आग लगाने वाले, वो इतना ही कह दिया बहुत होता है। नारद जी ने क्या कहा कि जरा ध्यान रखा करो। पार्वती जी बोली कि महाराज कैसी बात करते हो, मेरे से बिना पूछे तो शंकर जी कुछ करते। आमतौर पे घरवालियों को ये गलत फहमी रहती है, और घरवालियां भी बड़ी गजब की, जितनी शंका अपने पति पर करती हैं उतनी किसी पर, दिन में 9 बार फोन करेगी, हैं जी किथे हो, पक्की बात। और पति भी बड़े चला, पति कहते गड्डी चलाने लग गया घरे आंदा पे। पति क्या कहता है, गाड़ी चला रहा हूं मैं घर। और आगे घरवाली भी चला बरनाला की, कहती फिर हॉर्न बजा के दिखाओ। कृष्ण कन्हैया लाल, पत्नियों को जितनी शंका अपने पति पर रहती उतनी तो किसी पर नहीं रहती। क्या कह रहे, झूठ तो नहीं बोल रहा, देखो ये सब गवाही दे रहे हैं। और मजे की बात तो ये चारों बुढ़िया भी बोल के नहीं आ मारा, सत्संग में तो सच बोला कम से कम, सत्संग में तो कम से कम हाँ सच बोला। महाराज पार्वती जी बोली कि मेरे से बिना पूछे तो भगवान कभी कोई काम करते। नारद जी को मौका मिल गया, बोले देवी जी फिर तो आपको शंकर जी के बारे में सब कुछ पता होगा। बोले हमारा पता है ना, जो क्या पूछना चाहते हो। नारद जी को मौका मिल गया, नारद जी बोले देवी अगर आपको शंकर जी के बारे में सब कुछ पता है तो कृपा करके थोड़ा ज्ञान हमको भी दे दो, थोड़ा सा ज्ञान। पार्वती बोली पूछो महाराज क्या पूछना है। नारद जी बोले बाकी तो सब कुछ पता है, एक ही बात नहीं पता। क्या नहीं पता। बोले शंकर जी के गले में ये जो मुंड माला पड़ी रहती है, इसके मुंड कितने हैं और मुंड किसके हैं, मुंड किसके हैं और कितने प्रश्न किए, क्या क्या प्रश्न किए, मुंड किसके हैं और। पार्वती जी बोली महाराज बस ये ही नहीं पता, बाकी सब कुछ पता, ये ही नहीं पता बाकी सब कुछ। आज तो आड़ा पंडारी आया बागपत तो मेरे को, कहने महाराज की खाना है तुसी, क्या खाओगे। मैं कहा क्या है तुम्हारे पास। बोले महाराज जो आप कहेंगे वही बन जाएगा, महाराज जो आप कहेंगे हा? सब कुछ है हमारे पास। मैंने कहा जाओ फिर तोरी बना के लाओ। कह हमारा बाकी सब कुछ है, तोरी नहीं है। वो देखो लोगों का स्वभाव है, पहले बड़ी बड़ी छोड़ देंगे और बाद में जब बात देनी लेनी आएगी तब। हमारा ध्यान रखना, झूठ बोलो पर जरा संभल के बोलो, झूठ बोलो लेकिन जरा तुम बिना संभले बोल देते हो। और ध्यान देना कई बार बड़े बड़े नुकसान करा देता है, इसलिए पहले तोलो और फिर बोलो। महाराज न जाने कब हमारे मुख से क्या निकल जाए और क्या घटना घटित हो जाए, पहले विचार करो बोलने से पहले। देवी पार्वती कहती है नारद जी मुझे बाकी सब कुछ पता है, शंकर जी के गले में जो मुंड वाला है उसी का रहस्य मुझे पता। महाराज देवी पार्वती बड़ी परेशान। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवी जी अगर आपको पता लग जाए तो कृपा करके हमको भी बता दे, आपको अगर पता लग जाए तो कृपा करके हमको भी। पार्वती